रहिंदर खान के लीकी रहनुमाओं की जेर सदारत इजलास, साबिक एमएनए मियां इम्तियाज अहमद ने पीडीएम जलसे के इंतजाम का जायजा लिया। रहीम यार खान के लीगी रहनुमाओं की जेर सदारत इजलास, साबिक एमएनए मियां इम्तियाज अहमद ने पीडीएम जलसे के इंतजाम का जायजा लिया। मजीद जानते हैं आसिम सिद्दीक से। जी आसिम बताइए। जी, इस्लामाबाद में जो पीडीएम का जलसा हरा है उसमें शिरकत के हवाले से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पीपी 262 का मशावती इजलास हुआ, जिसकी सदारत जिले जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान मुस्लिम लीग और साबिक एमएनए मियां इम्तियाज अहमद ने की। मियां इम्तियाज अहमद साहब, किस तरह से इसमें शिरकत की जाएगी, आज क्या फैसले? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारी हल्का 262 की ये मीटिंग थी और जैसे हमारे कायदीन ने हमें हुक्म दिया हुआ है कि पीडीएम के प्लेटफॉर्म से हमने 28 तारीख को इस्लामाबाद पहुंचना है और हमने यहां से काफले लेके इस्लामाबाद की तरफ, यहां से 28 तारीख को हम सुबह निकलेंगे तो 28 को शाम इंशाल्लाह इस्लामाबाद में जलसे में हम शरीक होंगे। तो हमारे रहीम यार खान से हज़ारों की तादाद में हमारे जो वर्कर्स हैं, मुस्लिम लीग के साथी हैं, वो यहाँ से निकलेंगे और पीडीएम की बाकी जमातों के, जिस तरह यहाँ कारी जफर साहब खड़े हैं, उमर फारूक साहब हैं और बाकी जो मौलाना राउफ रबानी साहब हैं, बाकी जो पीडीएम की जमातें हैं वो यहाँ से एक दो दिन पहले निकल रही हैं। तो इंशाल्लाह इस्लामाबाद में लाखों का मजमा इंशाल्लाह 28 तारीख को होगा और इस इमरान खान की जो हुकूमत है इसका इंशाल्लाह ताला खात्मे तक हम इस्लामाबाद में स्टे करेंगे इंशाल्लाह ताला। खात्मे तक इस्लामाबाद में वहां पर स्टे किया जाएगा, ये कहा जा रहा है। इसके तमाम शुक्रिया, आप हमें आगाह कर रहे थे।